बागपत के बड़ौत शहर में फिर मूवी गौशाला में भूख और प्यास से तीन गाय के मरने की दर्दनाक घटना से प्रशासन के उड़े होश आनन फानन में कराई व्यवस्था। इससे पहले बीते माह छपरौली कस्बे में नगर पंचायत की लापरवाही से चार गाय की हो गई थी भूख और प्यास से मौत। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इस घटना का पता चला तो तत्काल जिला अधिकारी बागपत को क्या अवगत। आज जिला प्रशासन की ओर से गौशाला में अन्न गोवंश को धूप तथा भूख और प्यास से बचाने के लिए व्यवस्था कराई गई, जहां एक और मोदी और योगी सरकार द्वारा गोवंश को मरने से बचाने के लिए तथा उन्हें धूप तथा भूख और प्यास से बचाने के लिए भरपूर योजनाओं का शुभारंभ किया गया तथा जिला बागपत को गोवंश की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया। लेकिन फिर भी लगातार गोवंश की भूख और प्यास के कारण दर्दनाक मौत हो रही है, ये अपने आप में इस बजट की पोल खुलता नजर आ रहा है। बागपत के बड़ौत शहर की दिल्ली बिहार में बनी गौशाला में बुधवार को तीन गाय की भूख और प्यास से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के जब हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष संजीव तोमर एवं जिला उपाध्यक्ष आलोक शास्त्री को पता चला तो वे तत्काल गौशाला में पहुंचे और घटना से जिला अधिकारी को अवगत कराया तथा मृतक गायों को हिंदू रीति रिवाज दफनाया गया। जिलाध्यक्ष संजीव तोमर एवं उपाध्यक्ष आलोक शास्त्री ने संयुक्त रूप से बताया कि आज शासन द्वारा जिला अधिकारी बागपत पवन कुमार के आदेश पर इस गौशाला के लिए गायों को धूप से बचाने के लिए गौशाला में टेंट लगवाया जा रहा है तथा इनके लिए घास और पानी के लिए उचित व्यवस्था की गई है। समर इंडिया ब्यूरो बागपत चंद्रबल तोमर की रिपोर्ट। अच्छा, गाय को अलग कर दिया। टेंट पर हाँ, इस पर पन्नी भी लगेगी। मैं आलोक शास्त्री, जिला सह प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी। परसों एक घटना हुई थी, दिल्ली सहारनपुर हाईवे सीओ ऑफिस के पीछे गौशाला बनाई है एसआई, उसमें दो तीन गोवंश भूख और प्यास और दूध की वजह से तड़प तड़प करके मर गए। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को इस विषय की जानकारी लगी तो तुरंत हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मामले को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद में जो जिलाधिकारी है अपने पवन कुमार जी को, उनको सूचना की, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई की और गाय के जो गोवंश है वहां पर गौशाला में, उनके लिए टेंट और पानी की उचित व्यवस्था कराई और कर्मचारियों को भी वहां पर रखवाया। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज के लिए बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी घटना दोबारा घटित हुई तो समस्त हिंदू युवा वाहिनी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। और मैं जिलाधिकारी महोदय से ये भी कहूंगा कि उन्होंने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। अरे शास्त्री जी, एक बात बताइए, आके गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए का जो बजट गौशाला के लिए जारी किया गया था, आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई, क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों भूख और प्यास से मरने की घटना क्यों हुई है? ये जो पैसा आया है वो नगर पालिका को अलाउ हुआ है, तो हमने इस बारे में डीएम साहब को जानकारी दी थी कि जब 1 करोड़ रुपया सरकार दे रही है गोवंश के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके राशन पानी के लिए, चारे के लिए सब चीज दे रही है, तो उसमें खर्च क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने जो नगर पालिका के ईओ हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से मीटिंग में बुलाया और उनको सारी जानकारी दी और फिर उनको धमकाया भी, सब काम हुए हैं, तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उनकी व्यवस्था कराई। इससे पहले भी छपरौली में अस्थायी जो गौशाला बनाई गई थी उसमें भी 5 गोवंशों की भूख और प्यास से मृत्यु हुई थी,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी गौशाला बनाई जा रही है, चाहे भले ही वो स्थाई हो या अस्थाई, उनको धूमसा बचाने का भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये चेतावनी दी है, कल ज्ञापन भी दिया था एसडीएम साहब को, अगर इस तरीके की घटना आगे होती है तो हिंदू युवा वाहिनी सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगा कि सरकार पैसा दे रही है, माननीय योगी जी इस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, गोवंश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इस किस चीज का पैसा उस कार्य के लिए क्यों नहीं लग रहा है। अब कल आपके द्वारा बड़ौत में जो गौशाला बनाई गई, उन गौवंश को धूप से बचाने के लिए और भूख और प्यास बुझाने के लिए क्या व्यवस्था की है? उनके लिए टेंट की जो टेंट है उसमें जो अच्छी तरीके से उनको किया गया और उसमें पानी की, चारे की, पहले भूस वगैरह देते थे, अब उसमें हरा चारा भी है, चार पांच उसमें कर्मचारी भी रखे गए हैं, तो ये इसमें कार्य किया गया है। पक्की छत कब मिल पाएगी गोवंश को? पक्की छत के लिए प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही